इस वीडियो में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। किसी भी क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प्स का यूज कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखे और फर्स्ट कमेंट में भी उसे पिन किया हुआ है। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन तो ठीक है काम चला होते, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं और उन्हीं सब में ना ऑप्शंस बना करके वो आईआईटी जेईई या नीट वगैरह में भी आ जाते हैं। तो प्लीज़ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना। मेरा नाम है विक्रांत किराल, मैंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और अब वीडियो को शुरू करते हैं। A steel wire of length 4.7 meter and cross sectional area 3.0 into 10 raised to power minus 5 square meter stretches by the same amount as a copper wire of 3.5 meter and cross sectional area 4.0 into 10 raised to power minus 5 in the given load. तो हमारे पास दो अलग अलग तार हैं, उनकी लेंथ भी अलग है, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अलग है, लेकिन सेम लोड लगाने पर दोनों का सेम एक्सटेंशन होता है, उनका डेल्टा एल सेम होता है। What is the ratio of Young's modulus of steel to that of copper? हमें कॉपर स्टील के यंग्स मॉडुलस का रेशियो पता करना है। तो हमारे पास जो ये दो तार हैं उन्हें सेम फोर्स से खींचते हैं तो सेम एक्सटेंशन होता है, यानी हम कह सकते हैं अगर इनको हम स्प्रिंग की तरह मान लेते हैं, हम बोल सकते हैं F इज इक्वल टू के एक्स, में F की वैल्यू भी सेम है, X की वैल्यू भी सेम, यानी इन दोनों तारों का जो के इक्विवेलेंट होगा स्प्रिंग की तरह जब काम करेंगे तो वो के इक्विवेलेंट वैल्यू दोनों में सेम आएगी। के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की वैल्यू होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं एफ इज इक्वल टू वाई ए डिवाइडेड बाय एल टाइम्स डेल्टा एल। तो ये जो वैल्यू है उसे हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की तरह बांध सकते हैं। इन दोनों तारों के लिए ये वाली वैल्यू वाई ए बाय एल सेम होने वाला है, तो हम वही लिख देंगे y copper a copper divided by l copper is equal to y steel a steel divided by l steel। हमें पता करना है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर, यानी कि y s by y c हमें पता करना है। इसकी वैल्यू आ जाती है a c l s divided by a s l c। सभी वैल्यूज रख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 4 इंटू 4.7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3.5 यानी कि 1.79। तो हमारा आंसर आ जाता है 1.79, वाई एस इज इक्वल टू वाई सी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज इक्वल टू 1.79 टाइम्स यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। ज़्यादा इलास्टिक हमारी स्टील हो गई। Figure 9.1 shows the stress strain curve for a given material. What are the Young's modulus? Approximate yield strength for this material. हमें Young's modulus और approximate yield strength बतानी है इस material की। तो देखो Young's modulus क्या होता है? Stress upon strain. यानी कितना हमने stress दिया उसके हिसाब से कितना हमें strain आया। या फिर हम बोल सकते हैं इस graph का जो slope होता है वो हमें पता करना है। स्लोप पता करने के लिए हम यहाँ पर किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग देख लेंगे इस डायरेक्शन में कितनी लेंथ है और इस डायरेक्शन में हमें कितना ऊपर आना पड़ा है। इसे बोलते हैं रन, इसे बोलते हैं रेज, राइज, रन एंड राइज। खैर वो सब छोड़ो, हमें यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है ये वाला, इस पॉइंट के हिसाब से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज हैं। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ जाती है, स्ट्रेस की वैल्यू इस पॉइंट के लिए है 150 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू है 0.002। तो इससे हमारा आंसर आ जाता है, इसको काटोगे तो 75 × 10⁹ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये 1000 यहाँ ऊपर चला जाएगा और हमारे पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ गई इस मटेरियल की। अब पता करना है यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है। देखो यील्ड स्ट्रेंथ हम ग्राफ देख करके एक्चुअली नहीं पता कर सकते, क्यों? क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ वो पॉइंट होता है जिसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। उसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर हमारा ये स्लोप जीरो हो जाता है, वो होती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी इसके ऊपर कोई स्ट्रेंथ, ये इसमें स्ट्रेस की वैल्यू इसके ऊपर जा नहीं सकती, ग्राफ फिर से नीचे आने लगा। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है, ये यील्ड पॉइंट हो ही नहीं सकता। हो सकता है, मतलब हम पक्का नहीं कह सकते कि ये यील्ड पॉइंट है। यील्ड पॉइंट अक्सर वो पॉइंट होता है जब हम लीनियर वेरिएशन हमारा ग्राफ छोड़ देता है उसके बाद आता है। उस हिसाब से देखा जाए तो हम कह सकते हैं, हम तुक्का लगा सकते हैं कि ये होगा, लेकिन गारंटी तो मैं नहीं ले सकता कि ये
यील्ड पॉइंट है। इसके लिए आप स्ट्रेस स्ट्रेन वाला सेक्शन जो थ्योरी वीडियोस में एक बार फिर से देख सकते हो। हमारे अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू हो जाती है 300 × 10⁶ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे देखो 10⁶ है। और यील्ड पॉइंट इस केस में ऐसा बुक ने अज्यूम कर लिया है कि यही पॉइंट यील्ड पॉइंट भी होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो यील्ड पॉइंट का भी आंसर आ जाएगा 300 × 10⁶ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ ही है, मतलब मैं तो गारंटी नहीं ले सकता कि इस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ इतनी होने वाली है, पर ठीक है। किताब में क्वेश्चन, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ्स फॉर मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन फिगर 9.12। द ग्राफ्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल। तो हमें दो मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दिए हुए हैं और ये लिखा है ग्राफ्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल। इसका क्या मतलब है? हो सकता है इसकी वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, यहाँ पर ये वैल्यू 0.1 हो, यहाँ पर 0.2 हो, 0.3 हो। उस केस में इसका एक्चुअल स्लोप कुछ ऐसा आ जाएगा, मतलब स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर स्केल अलग होता है तो स्लोप जो हमें दिखाई दे रहा है उनको कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम दो ग्राफ का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहाँ पर स्केल सेम होना ज़रूरी है, नहीं तो ये वाला ग्राफ ऐसा स्ट्रेच हुआ भी दिखाई दे सकता है। हमने देखो हर एक पॉइंट को इस तरीके से इस तरफ शिफ्ट कर दिया, स्ट्रेचिंग हो गई है, इसको स्केलिंग बोलते हैं। इसीलिए ग्राफ्स का स्केल सेम होना चाहिए। एनीवे, विच ऑफ द मटेरियल हैज अ ग्रेटर यंग्स मॉडुलस? यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप। तो यहाँ पर हमें स्लोप ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्लोप थोड़ा उससे ऐसे कम है। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ए, मटेरियल ए का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल? स्ट्रॉन्गर मटेरियल के लिए हम किस चीज की बात करेंगे? स्ट्रॉन्ग होता है यील्ड पॉइंट से या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ से। अगर हमें कोई चीज डिजाइन करनी है, मान लो मैं कुछ डिजाइन कर रहा हूं कि इस पेंसिल से मुझे कुछ लटकाना है, तो स्ट्रॉन्ग अगर हमारे पास दो मटेरियल है उन्हें कंपेयर करना है तो मैं यील्ड पॉइंट के हिसाब से बात करूंगा। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेस तक इसे नहीं ले जाते हैं, हमें फाइनली ये नहीं चेक करना है कि यार ये टूट ही जाएगा, हमें उस पॉइंट से भी बचना है जहां पर परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे मैं स्ट्रॉन्गर बोलूंगा तब अगर इसका यील्ड पॉइंट ज़्यादा होगा। इन दोनों में इसका यील्ड पॉइंट इधर ही कहीं आ जाएगा, जैसे ही हमारा ग्राफ लीनियर वेरिएशन को छोड़ता है उसके बाद कहीं पे हमारा यील्ड पॉइंट होता है। यहाँ पर हमारा लीनियर वेरिएशन बहुत ऊपर जाके छूटा है, तो इस केस में हमारा यील्ड पॉइंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखो इसका यील्ड पॉइंट यहाँ पर है, इस बी मटेरियल का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। लेकिन अगेन कोई गारंटी नहीं है कि इसका यील्ड पॉइंट यहाँ होगा, इसका यील्ड पॉइंट यहाँ होगा। हो सकता है इसका यील्ड पॉइंट यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है। लेकिन ऐसा अक्सर हमने देखा है मटेरियल्स में कि यील्ड पॉइंट लीनियर वेरिएशन के जस्ट बाद होता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये वाला मटेरियल ज्यादा स्ट्रांग है। और एक बात, अल्टीमेट स्ट्रेस अगर देखोगे तो वो दोनों की सेम है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस दोनों में सेम है, लेकिन स्ट्रांग हम जब डिजाइन करते हैं चीजें तब यील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से देखते हैं। रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है नीचे वाले दो स्टेटमेंट्स में। पहला है द यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। हमें रबर और स्टील का यंग्स मॉडुलस कंपेयर करना है। अच्छा, यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन या फिर स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन। अगर मेरे पास ये रबर है तो रबर को मैंने 0.1 का स्ट्रेन दिया, तो बदले में इसने मुझे कितना स्ट्रेस इस तरफ लगाया, या फिर कह सकते कितना फोर्स इसने इस तरफ लगाया। इसको मैंने इधर खींच दिया तो मैं इसे खींच भी पाया एक्चुअली इतना, तो इसने ज़्यादा फोर्स लगाया नहीं। लेकिन स्टील हमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाता है, एक्चुअली स्टील इतना ज़्यादा फोर्स लगाता है कि हम उसे इस तरीके से खींच ही नहीं पाते। यानी क्लियरली स्टील का यंग्स मॉडुलस रबर से ज़्यादा है, तो ये हो जाता है फॉल्स, यंग्स मॉडुलस स्टील का ज़्यादा होता है। सेकेंड क्वेश्चन, द स्ट्रेचिंग ऑफ ए कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉडुलस। कॉइल क्या होता है? कॉइल हमारी कोई भी स्प्रिंग, उसे कॉइल बोल देंगे। अच्छा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं तो वहां पर हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस आता है। ऐसे मैं खींचूंगा तो इसमें टेंशन क्रिएट होगी, टेंसाइल स्ट्रेस हम यंग्स मॉडुलस से पढ़ते हैं। अगर मैं इसे दबाऊंगा इस तरीके से तो इसका कंप्रेशन हो रहा है, तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, अगेन यंग्स मॉडुलस की बात होगी। लेकिन इसकी जगह अगर मेरे पास कोई स्प्रिंग होगी तो वहां पर हमें शियर मॉडुलस का यूज करना होगा। क्यों? अच्छा देखो, स्प्रिंग में होता क्या है, मान लो यहां पर एक बहुत बड़ी इस तरीके से स्प्रिंग है, अब उस स्प्रिंग को जब मैं खींचूंगा तो उसके किसी भी पॉइंट को मैं ऐसे लंबा नहीं कर रहा हूं। स्प्रिंग की लेंथ लंबी होती है, लेकिन जिस गोल तार से घूम घूम करके वो स्प्रिंग बनी होती है उसकी लेंथ लंबी नहीं होती है। उसका क्या होता है, मान लो ये हमारी स्प्रिंग है,
स्प्रिंग में किसी भी क्रॉस सेक्शन को देखो तो इस क्रॉस सेक्शन पे एक्चुअली इस तरीके से टॉर्क लग रहा होगा और सभी तार इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मुड़ जाते हैं तो इनके बीच का गैप बढ़ जाता है। स्प्रिंग के किसी भी सेक्शन पे इस तरीके से फोर्स लगता है और ये देखो ये यहाँ पर अगर ऐसा फोर्स लगेगा तो हमारा ये एरिया है और इस तरीके से घूम रहा है तो ये टॉर्शनल टॉर्क टाइप का स्ट्रेस लग रहा है, लेकिन ये एरिया के परपेंडिकुलर वाले फोर्स है। देखो इस पॉइंट पे इस तरफ लग रहा होगा, इस पॉइंट पे इस तरफ फोर्स लग रहा होगा। हम जितना ज़्यादा सेंटर से दूर जाएंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। देखो यहाँ पर भी जितना दूर है उतना ज़्यादा फोर्स लग रहा है पास में, और सेंटर पे तो एकदम ज़ीरो फोर्स लग रहा है। कौन सा वाला फोर्स? ये इस तरीके का घुमाने वाला फोर्स लगता है वहाँ पर, और वो फोर्स होता है क्योंकि ये देखो एरिया है और इस तरफ हम नहीं खींच रहे उसको, इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए शियर हो जाता है। तो स्प्रिंग में शियर मॉडुलस का यूज़ होगा, वहाँ पर शियरिंग के कारण हमें डिफाइन होगा कि स्प्रिंग की स्ट्रेंथ एक्चुअली कितनी है। Two vials of diameter 0.25 cm, one made of steel and the other made of brass are loaded as shown in figure 9.13. ये हमारे पास figure है। The unloaded strength of steel wire is 1.5 meter and that of brass wire is 1 meter. Compute the elongation of the steel and the brass wire. तो हमारे पास दो तार हैं, उन्हें इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन में लटका दिया है। अब ये इक्विलिब्रियम में कोई भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, यानी इस पर नीचे जितना mg लग रहा होगा ऊपर की तरफ उतना टेंशन होगा। हमारे पास इस पॉइंट पे टेंशन मिल जाएगी, यहाँ पर नीचे जितना mg प्लस टेंशन लग रहा होगा उतना ही ऊपर की तरफ दूसरे वाले तार में टेंशन होगी। तो दोनों तार में अलग अलग टेंशन है, दोनों तार का अलग अलग यंग्स मॉडुलस है, दोनों तार की अलग अलग लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। हमें इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है और उसके कारण हम यहाँ पर दोनों में कितना इलोंगेशन हुआ है वो पता कर लेंगे। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। यहाँ से अगर मैं इसको रीअरेंज करूँगा तो मुझे स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मिल जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू वाई ए बाय एल टाइम्स डेल्टा एल, और यही वाई ए बाय एल जो है ये हमारा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है। तो इसके लिए मैं बोल दूंगा के स्टील, इसके लिए मैं बोल दूंगा के ब्रास, और ये दोनों वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों का डायमीटर सेम है तो दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एस इज इक्वल टू ए बी सेम होगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी पाई डी स्क्वेयर बाय 4। वैल्यूज रख दो पाई इंटू 0.125 का स्क्वायर, रेडियस बना दिया उसका मैंने, और ये हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा आंसर। इसको सॉल्व करेगा तो वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 0.05 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको मैं मीटर स्क्वायर में लेके आ जाता हूँ क्योंकि सभी कैलकुलेशन में आंसर हमारा मीटर स्क्वायर में होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 5×10⁻⁶ स्क्वायर मीटर। अब हम पता करते हैं के स्टील, वो हो जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ स्टील। वैल्यूज रख दो 200×10⁻⁹×10⁻⁶ डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी है 1.5 meter। सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁰ / 1.5, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3×10⁻⁶। ये हमारा न्यूटन पर मीटर में आएगा। इसी तरीके से हम ब्रास के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं, वो जाएगा YbAb/Lb। वैल्यूज रख दो 91×10⁻⁹×10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 9.1/2×10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। हमारे पास दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट आ गए। अब ब्रास के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू KB टाइम्स डेल्टा एल, जो भी उसमें चेंज हुआ है डेल्टा एल बी, यानी कि हम लिख सकते हैं डेल्टा एल ब्रास इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई के ब्रास। फोर्स कितना है? देखो यहाँ पर नीचे लग रहा होगा 6 kg × 9.8, तो ये हमारे पास नीचे की तरफ फोर्स हो गया, तो इस स्ट्रिंग में भी ऊपर की तरफ उतनी टेंशन होगी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6×9.8/9.1 / 2×10⁵, और इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाता है 13×10⁻⁵, या फिर मैं लिख सकता हूँ 1.3×10⁻⁴ मीटर। स्टील वायर में अगर हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है तो नीचे का पूरा सिस्टम 4 kg और 6 kg मिलकर हो जाता है 10 kg, इन सब का नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, तो स्टील वायर में जो टेंशन होगी वो जाएगी 10 times g।
यानी कि डेल्टा एल ऑफ स्टील इज इक्वल टू 10g अपॉन के स्टील. 10g की वैल्यू हो गई 9.8 इंटू 10. के स्टील की वैल्यू हमारे पास यहाँ से थी 2/3 इंटू 10 रेज टू पावर 6. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा आंसर आता है 1.47 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर. हमारे स्टील वायर में जो इलोंगेशन आया है उसकी वैल्यू है इतनी, और हमारे ब्रास वायर में जो इलोंगेशन आया उसकी वैल्यू है इतनी. अगर हमसे पूछा जाएगा दोनों में मिलाकर के कितना इलोंगेशन है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो. द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. हमारे पास एक एल्यूमिनियम की क्यूब है, उसकी एक एज 10 सेंटीमीटर की है. वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू अ वर्टिकल वॉल. देखो यहाँ पर एक फेस वॉल से चिपका हुआ है. अ मास ऑफ 100 kg इज देन अटैच टू द ऑपोजिट फेस ऑफ द क्यूब, और ऑपोजिट फेस पे हमने फोर्स लगा दिया है. द शेयर मॉड्यूलस ऑफ एल्यूमिनियम इज 25 GPa. वॉट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस. अच्छा डिफ्लेक्शन क्या होगा, देखो यहाँ पर इस तरीके से फोर्स लगेगा तो ये कुछ इस तरीके से टेढ़ी हो जाएगी. हमें ये एंगल या फिर ये लेंथ, इनमें से डिफ्लेक्शन किसे बोले. एक्चुअली डिफ्लेक्शन एंगल मैंने जनरली सुना है, लेकिन इसे भी आप डिफ्लेक्शन बोल सकते हो. तो हमें ये कैलकुलेट करना है ये कितना यहाँ पर नीचे आया. यहाँ पर देखो नीचे आया, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर यंग्स मॉडुलस यूज़ नहीं करना है, हमें शेयर मॉडुलस यूज़ करना है. क्यों? क्योंकि ये शेयर फोर्स है, एरिया है, और इस तरीके से एरिया है, उस तरफ फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है. तो हम सीधे सीधे कैलकुलेशंस करेंगे. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. शेयर मॉडुलस होता है शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन. तो हम यहाँ पर स्ट्रेस पता कर लेते हैं, स्ट्रेन पता कर लेते हैं. शेयरिंग स्ट्रेस जिससे हम टाउ से भी लिखते हैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी, फोर्स कितना है 100 इंटू 9.8, इतना हमारे पास फोर्स है. एरिया की वैल्यू कितनी है 0.1 का स्क्वायर, हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ से हमारे स्ट्रेस की वैल्यू आ जाती है 9.8 इंटू 10 रेज टू पावर 4 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. जब इस पर फोर्स लगेगा तो ये हमारा थोड़ा सा इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगी क्यों, और इसको मैं बोल देता हूँ एक्स, इसको मैं बोल देता हूँ एल, जिसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, और ये एंगल बन जाता है थीटा. तो हमारा स्ट्रेन इस केस में डिफाइन हो जाता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एल, और उसी की वैल्यू भी होती है थीटा के बराबर. हमें एक्स मान लो हमें कैलकुलेट करना है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास वैल्यू हो जाती है 25 इंटू गीगा पास्कल, गीगा यानी 10^9 इज इक्वल टू स्ट्रेस की वैल्यू है 9.8 इंटू 10^4 डिवाइडेड बाई स्ट्रेन की वैल्यू होती है थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाती है 9.8 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10^-5 विच इज इक्वल टू 3.9 इंटू 10^-6. स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है. यहाँ पर ये डिग्री में नहीं है, ये रेडियंस में, ये जो एंगल की वैल्यू आई है इतने रेडियन वो इस तरीके से नीचे झुक चुकी है. तो हमारा आंसर एक्चुअली ये डिफ्लेक्शन इतना ही है. लेकिन हम अगर x कैलकुलेट करना चाहें तो देखो इस फॉर्मूले से हमारे x की वैल्यू आ जाती है x इज इक्वल टू l टाइम्स थीटा. l की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर, टाइम्स थीटा की वैल्यू है 3.9 इंटू 10^-6, और यहाँ से हमारा आंसर आता है 3.9 इंटू 10^-7. इस बार यूनिट लगेगी मीटर, क्योंकि इस बार हम ये लेंथ मेजर कर रहे हैं, और यही सही आंसर है. शायद NCERT में गलत दिया हो. लॉकडाउन ख़त्म हो तो मैं बाल कटाऊं और एसी लगवाऊं, इतनी गर्मी हो रखी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अपन कूल तो कभी भी बन सकते हैं ना. Four identical hollow cylindrical columns of mild steel support a big structure of mass 50,000 kg. तो हमारे पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर है. अच्छा ये तो सीमेंट वाली टंकी बनी हुई है, लेकिन मान लो सब mild steel का बना हुआ है. हमारे पास चार कॉलम्स हैं इस तरीके के, जो कि hollow cylindrical है. द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ ईच कॉलम आर 30 and 60 cm रेस्पेक्टिवली. अज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम. इसमें हमें अज्यूम करना है कि इन चारों पिलर में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा, तो सब में सेम स्ट्रेस आएगी, क्योंकि सबका एरिया सेम है, तो सब में सेम कंप्रेशनल स्ट्रेन होगा, और इसी की कैलकुलेशन हमें करनी है. तो सबसे पहले इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं. एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वन पिलर, ये सिर्फ एक पिलर का, इज इक्वल टू पाई R2² - R1² तो R2, अच्छा 3.14 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, R2 की वैल्यू हो जाती है
0.6 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 0.27 पाई या फिर इसको लिख दो आप 0.85। ये आएगा हमारा आंसर स्क्वायर मीटर में। हमारा टोटल फोर्स जो है उसकी वैल्यू हो जाती है 50,000 g नीचे की तरफ, लेकिन एक पिलर पे हमारा कितना स्ट्रेस आएगा इसका 1/4, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें मानना है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 50,000 / 4 यानी कि 12500 g। ये ग्राम नहीं है, जी mg वाला जी है। अब हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहां से हमें मिल जाता है स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आई 12500 × 9.8, इतना हमारा फोर्स है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया की वैल्यू है 0.85। एक सिंगल कॉलम की कैलकुलेशन करेंगे, वही सभी कैलकुलेशन चारों पिलर के लिए वैलिड है। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है 200 × 10⁻¹, इससे हमारी वैल्यू आ जाती है स्ट्रेन की 7.2 × 10⁻¹¹। यूनिट स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, डेल्टा एल बाई एल है, तो बस यही हमारा स्ट्रेन है, इस इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। अच्छा कंप्रेशनल है तो हमको पहले ही पता चल रहा है कि लेंथ कम हो रही होगी, हमें इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास ये चार पिलर नहीं होते, चार की जगह सिर्फ एक पिलर होता, तो हम ये वाला फोर्स यूज नहीं करते, हम उसकी जगह डायरेक्टली पूरा फोर्स हर एक पिलर के लिए यूज करते। उस केस में हमारा आंसर आता, उस केस में स्ट्रेन होती, उसको मैं स्ट्रेन डैश एप्सिलन डैश बोल देता हूँ, उसकी वैल्यू हो जाती है इसकी 4 गुना 4 × 7.2 × 10⁻¹¹, जिसकी वैल्यू होती है 2.8 × 10⁻¹⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्यों यूनिट तो होगी नहीं स्ट्रेन की। तो ये आंसर आता एनसीईआरटी में, ये आंसर है एनसीईआरटी में शायद गलत आंसर दिया हुआ है। A piece of copper having a rectangular cross section of 15.2 millimeter by 19.1 millimeter is pulled in tension with itna force producing only elastic deformation. Calculate the resulting strain. Again, pichle sawal jaisa ye same, ye simple sa formula hame laga dena hai, answer hamara aa jayega. Yahan se hum likh sakte hain strain is equal to stress divided by Young's modulus. Stress kitna hai? Force per unit area divided by Young's modulus ya fir F upon YA. फोर्स की वैल्यू है 44500, एरिया हमें पता करना पड़ेगा, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हमें टेबल से देख करके पता पड़नी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू आती है 42 × 10⁻¹⁹, यंग्स मॉडुलस है, और एरिया इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया की वैल्यू आती है 2.9 × 10⁻¹⁴। यहाँ से हमारी स्ट्रेन की वैल्यू आ जाती है 3.65 × 10⁻³। इसमें फिर से शायद एनसीईआरटी में गलत आंसर है, लेकिन सही आंसर और सही तरीका यही है। अ स्टील केबल विद अ रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर सपोर्ट्स अ चेयर लिफ्ट एट ए स्की एरिया। अब ये चेयर लिफ्ट क्या होता है उसका फोटो ये है, उसका हमें रेडियस दिया हुआ है। इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 10⁸ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम लोड द केबल कैन सपोर्ट। अब इसमें हम वजन बढ़ाते जाएंगे तो इसमें टेंशन बढ़ती जाएगी, लेकिन एरिया इसका कांस्टेंट है तो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच सकता है, तो हमें इस लिमिट तक स्ट्रेस पहुँचाना है मैक्सिमम और देखना है कि कितना वजन हो सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो हमें ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगाना है। हमारा होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस हमारा मैक्सिमम कितना होना चाहिए 10⁸। इस पे हमें मिलेगा फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, फोर्स मैक्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया की वैल्यू क्या है, एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से एफ मैक्स की वैल्यू आ जाती है, एफ मैक्स इज इक्वल टू पाई इंटू 0.015 का स्क्वायर टाइम्स 10⁸। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 7.07 × 10⁴ न्यूटन, और ये हमारा मैक्सिमम फोर्स जो उस केबल पर हो सकता है, मैक्सिमम लोड की वैल्यू हमें मिल गई। अ रिजिड बार ऑफ मास 15 kg सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स ईच ऑफ 2.0 मीटर लॉन्ग। हमारे पास एक रिजिड बार है इस तरीके की, उसको 3 तारों से इस तरीके से हमने लटका दिया है। दोज एट ईच एंड आर ऑफ कॉपर एंड द मिडल वन इज ऑफ आयरन। तो हमारे पास ये जो दो कोनों में है वो कॉपर के हैं, बीच वाला आयरन का है।
डिटरमिन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन। ये काफी इंटरेस्टिंग है, हमें बोला गया है कि तीनों में टेंशन की वैल्यू सेम है। अच्छा देखो, ये रॉड नीचे की तरफ गिरना चाहती है ग्रेविटी के कारण, लेकिन उसको ये तीन तार ऊपर की तरफ रोक रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो तीन तरह के केस होते हैं। अच्छा सबसे पहली बात, रोटेशनल मोशन जब हम तक हमने पढ़ा था उस वक्त तो हम तीनों में टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। वहाँ तो हम यही मान के चलते थे तीनों में सेम ही टेंशन आ रही होगी, क्योंकि वहाँ पे हम इलोंगेशन को कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर हम बीच वाला तार काट दें या फिर ये वाला तार काट दें तो भी वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस केस में हमारे तार लंबे हो सकते हैं और जितना वो लंबे होते हैं उसके हिसाब से कुछ फोर्स लगाते हैं। यहाँ पर हमारे वायर्स को हम स्प्रिंग की तरह अज्यूम कर सकते हैं। हमारे पास जो वायर्स हैं उसको हम इफेक्टिवली कुछ स्प्रिंग मान सकते हैं और उनके कुछ इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज मैं लिख देता हूँ। मान लो कि आयरन वायर के लिए और कॉपर वाले के लिए के सी मैंने लिख दिया। अब जैसे ये रॉड नीचे आने की कोशिश करेगी तो तीनों ये थोड़ा थोड़ा नीचे सरकेंगे। कितना सरकेंगे, मान लो डेल्टा एक्स। तो तीनों में फोर्स लग जाएगा के सी डेल्टा एक्स, के वाई डेल्टा एक्स और के सी डेल्टा एक्स। अब इन तीनों का सम मिलाकर के होना चाहिए एम जी के बराबर। ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर मान लो मेरा बीच वाला तार बहुत मोटा है तो के आई की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हम मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा लोड जो है एम जी का वो इस बीच वाले वायर ने ले लिया है। उस केस में हम देखेंगे कि हमारी जो टेंशन की वैल्यू है वो तीनों स्ट्रिंग में बराबर नहीं है, इन दोनों में ऑलमोस्ट जीरो टेंशन हो जाएगी और पूरा का पूरा एम जी ये बीच वाला वायर ले जाएगा क्योंकि उसकी के इक्विवेलेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है। इस क्वेश्चन में हमें डायमीटर्स की कोई ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें तीनों वायर्स में टेंशन की वैल्यू बराबर आ जाए। अच्छा तीनों वायर में टेंशन की वैल्यू कितनी आई, मान लो हमारी रॉड एक्स अमाउंट से नीचे आई, तीनों में हम मानेंगे कि एक्स अमाउंट से ही एक्सटेंशन हुआ है, तो के सी एक्स प्लस के आई एक्स प्लस के सी एक्स इज इक्वल टू एम जी। अब तीनों में अगर बराबर टेंशन होनी है तो हम बोल सकते हैं के सी एक्स इज इक्वल टू के आई एक्स इज इक्वल टू के सी एक्स इज इक्वल टू एम जी बाय थ्री, और यही कंडीशन हमें लगानी है। और के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमें पता है, के इज इक्वल टू वाई ए बाय एल, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमने मान लिया एक्सटेंशन की वैल्यू है डेल्टा एक्स। अच्छा रॉड सीधे सीधे नीचे आइए तो तीनों तार में सेम एक्सटेंशन होगा, ऐसा हमें मानना ही पड़ेगा, नहीं तो रॉड टेढ़ी हो जाएगी, तो वो तो होने नहीं वाला। तीनों तार में सेम एक्सटेंशन है तो हमारे पास जो टेंशन है तीनों में बराबर है, इसका मतलब हो जाता है के सी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू के आई एन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू के सी डेल्टा एक्स जिस इज इक्वल टू एम जी बाय थ्री। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अच्छा यहाँ देखो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट जाता है, हमें वैल्यू मिलती है के सी इज इक्वल टू के आई, और ये के इक्विवेलेंट होता क्या है, इसका मतलब होता है वाई ए डिवाइडेड बाय एल। तो कॉपर के लिए हम ये सारी कॉपर की वैल्यू रख देंगे इज इक्वल टू वाई आयरन एरिया आयरन डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ आयरन। यहां पर और एक चीज, हमें सभी की लेंथ पता है, सारी लेंथ सेम है तो ये वाली वैल्यू भी सेम आ जाती है। अब हमें यहां से वैल्यू मिलती है एरिया ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ आयरन इज इक्वल टू वाई आयरन डिवाइडेड बाई वाई कॉपर। इसकी वैल्यू हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, 190 आयरन का यंग्स मॉडुलस होता है डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10^6 इंटू 10^6 या 10^9 होता है शायद। जो भी वैल्यू है ये तो कटने वाली है, तो ये कट जाएगा और हमारा आंसर आता है 19 बाई 11 जिसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 1.73। हम एसी को लिख सकते हैं पाई आरसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर आयन का स्क्वायर। यहाँ पाई से पाई कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू आती है 1.73। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले देंगे तो हमें मिल जाएगा रेडियस ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ आयन, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ कॉपर अपॉन डायमीटर ऑफ आयन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.73 जिसकी वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 1.31, और यही हमारा आंसर है। तो हमारे पास रेशियो आ जाता है कि कॉपर का जो डायमीटर है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1.31 टाइम्स डायमीटर ऑफ आयरन का वायर, और हमें यहाँ देखकर पता भी चलता है क्योंकि आयरन का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है तो कॉपर का एरिया में बढ़ाना पड़ेगा तभी इन तीनों वायर का जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इक्विवेलेंट है, उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी।
ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसमें लगा दिया है और 14.5 केजी मास फास्टन टू द एंड ऑफ अ स्टील वायर ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ 1 मीटर इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्किल विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 revolution per second एट द बॉटम ऑफ द सर्किल। ओके, तो ये क्यों लिखा हुआ है 2 revolution per second एट द बॉटम ऑफ द सर्किल? जब हम घुमाते हैं एंगुलर मोशन, जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराते हैं तो हमारी एंगुलर जो वेलोसिटी होती है वो अक्सर नीचे सबसे ज़्यादा होती है। हम अगर मैं घुमाऊंगा तो मैं उसको यूनिफॉर्म मेंटेन नहीं कर सकता। हॉरिजॉन्टल में हमारे लिए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी मेंटेन करना आसान होता, वर्टिकल में हम इंसान लोग नहीं कर पाते, मशीन लोग बड़ी आसानी से कर लेती हैं। ओके, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 0.065 square centimeter. कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ द वायर व्हेन द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। जिस वक्त ये पार्टिकल सबसे नीचे के पॉइंट पे, उस वक्त हम वायर में टेंशन पता कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखो लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन t। टेंशन t mg से ज्यादा है तो हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो ऊपर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है m ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा हमें पता है, रेडियस की वैल्यू हमें पता है, मास की वैल्यू पता है, तो हम ये टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बार हमारे पास तार में टेंशन आ गई तो हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं, स्ट्रेस निकल जाएगा तो फिर वहां से हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं, इलोंगेशन पता कर सकते हैं। सबसे पहले निकालते हैं टेंशन। हम जानते हैं टेंशन टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहां पर एम की वैल्यू है 14.5, उसको मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचता है 9.8 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 revolution per second। तो 2, एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं? 2 pi। तो यहां पर 2 pi से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, 2 revolution per second है, 2 radian per second नहीं है। इतना ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आर, इसका रेडियस है 1। तो यहां पर हमारी वैल्यू आ जाती है टेंशन टी इज इक्वल टू, आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 14.5 इंटू 9.8 प्लस 158.3 विच इज इक्वल टू 2437 न्यूटन। ये हमारी टेंशन की वैल्यू आ गई है। अब हमें निकालना है स्ट्रेन कितना है। हमारे पास एक ही तो फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलन। देखो यहाँ पर एप्सिलन की वैल्यू हो जाती है डेल्टा x बाय l, जो हमें पता करना है, इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर नीचे है यंग्स मॉडुलस। लेंथ है हमारे पास 1 मीटर, तो हमें इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। यहां से हमारा फॉर्मूला बनता है डेल्टा x, यानी कि इलोंगेशन जो हमें कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू हो जाती है फोर्स, इस केस में वो टेंशन है, तो 2437 डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू कितनी है? 0.065। अभी ये स्क्वायर सेंटीमीटर है, उसे मीटर में लाना पड़ेगा तो 10^-4 और लग जाएगा। डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी है? 200 × 10^9। यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलता है आंसर 1.87 × 10^-3 मीटर, या फिर इसको अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं हम 2 मिलीमीटर। यहां पे अगर हम नहीं भी जाएं तो ठीक है, आंसर हमारा ये आ गया, ये हमारा इलोंगेशन है। एनसीईआरटी में शायद गलत आंसर है, वहां पर ये 2 pi square नहीं किया है, वहां पर 2 revolution per second की जगह अगर ओमेगा को आप 2 radian per second ले लोगे तो जो आंसर एनसीईआरटी में मिला है वो वाला आंसर आ जाता है, जिसकी वैल्यू है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1.539 × 10^-4। तो वो शायद गलत है, हमारा आंसर तो ये आएगा, ये रेवोल्यूशन पर सेकंड है, रेडियन पर सेकंड नहीं है। कई बार एनसीईआरटी में आंसर गलत होता है, लेकिन इस बार तो शायद क्वेश्चन ही थोड़ा गलत है। देखो, कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनिशियल वॉल्यूम 100 लीटर, फिर हमने प्रेशर इंक्रीज किया 180 से हम 100 atm तक चले गए, और फाइनल वॉल्यूम हो गया 100.5 लीटर। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो कोई चीज़ कंप्रेस होगी तो उसका वॉल्यूम कम होता है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये गलत है। वॉल्यूम एक्चुअली जब क्वेश्चन डिज़ाइन करोगे तो उसने सोचा होगा क्या करें, एप्सिलन की वैल्यू होनी चाहिए 0.005, तो 0.5 लीटर हमें चेंज करनी पड़ेगी वॉल्यूम, 100 से 0.5 माइनस करना था, उन्होंने प्लस करके लिख दिया। तो एक्चुअली जो हमें वैल्यू यूज़ करनी होगी, मैं गेस कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू होनी चाहिए 99.5 लीटर, हमारी फाइनल वॉल्यूम होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100.5 नहीं होगा, यहाँ पे होगी 99.5 लीटर। कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर।
एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो फिर हम इनको कंपेयर करेंगे। पहले बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास एक्सेस प्रेशर है। अच्छा, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? बी इज इक्वल टू पी एक्सेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसकी वैल्यू होती है डेल्टा वी बाय वी। और क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हमारी कम होती जा रही है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, क्योंकि स्ट्रेन नेगेटिव होने वाला था। या फिर कैलकुलेशन को आसान करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, जो भी वैल्यू होगी हम पॉजिटिव ले लेंगे। पी एक्सेस हमें डायरेक्टली दिया गया है 100 ATM, तो 100 × 1.013 × 10⁵ Pa डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा वी की वैल्यू है 0.5 लीटर, चेंज हुआ था, इनिशियल था 100 लीटर। इसको आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे, तो हमारा आंसर आ जाता है 20,000 × 1.013 × 10⁵ विच इज इक्वल टू 2.026 × 10⁹ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, एयर का बल्क मॉडुलस कितना होता है? बल्क मॉडुलस ऑफ एयर, ये था हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। बल्क मॉडुलस ऑफ एयर की वैल्यू होती है 1 × 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पर देखो 10⁹ है, यहाँ पर 10⁵ है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ एयर बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब इसके आगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अच्छा, 1/ बल्क मॉडुलस होता है कंप्रेसिबिलिटी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एयर जो है एटलीस्ट 10⁴ टाइम्स ज़्यादा कंप्रेसिबल है पानी से। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स पे पानी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा, तो ये हम देखते भी हैं अक्सर, एयर कंप्रेसिबल है इजीली। चलो एक अच्छा सवाल आया, What is the density of water at a depth where pressure is 80 atmospheric pressure, given that its density at the surface is 1.03 × 10³ kg/m³? तो हमें सर्फेस पर जहाँ पर प्रेशर की वैल्यू होती है 1 ATM, वहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है, पानी की डेंसिटी कितनी है, और हमें यहाँ पर नीचे जाकर के उसकी डेंसिटी बतानी है कितनी हो जाएगी। तो डेंसिटी में चेंज क्यों आ रहा है? मान लो हम 1 m³ का अगर पानी की बात करें, तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा, यहाँ पर नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, उसके ऊपर पानी ही चारों तरफ से प्रेशर लगा रहा है, लेकिन उस 1 m³ के पानी के लिए तो प्रेशर बढ़ गया, तो उसका वॉल्यूम कुछ कम हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ वॉल्यूम कम हुआ है, लेकिन उसका मास तो उतना ही था, तो यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, और उसी की कैलकुलेशन हमें करनी है। तो हम कंसिडर करते हैं कि V1 की वैल्यू थी 1 m³, वहाँ से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास होता है बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू पी एक्सेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा वी बाय वी। हमें डेल्टा वी बाय वी कैलकुलेट करना है। अच्छा, इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1 m³, मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, तो यहाँ से मेरा वैल्यूज आ जाएंगी, डेल्टा वी इज इक्वल टू पी एक्सेस डिवाइडेड बाय वी। पी एक्सिस की वैल्यू है 79 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आप कैलकुलेशंस आसान करने के लिए इसको 80 भी रख सकते हो, क्योंकि एरर उतना ज़्यादा आने नहीं वाला जिस तरीके हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। 79.0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 80.0 है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इंटू 1.01 × 10⁵, ये हमारा एक्सेस प्रेशर हो गया डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, उसकी वैल्यू होती है 2.2 × 10⁹। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू हो जाती है, डेल्टा वी इज इक्वल टू 3.63 × 10⁻³ m³। बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम चेंज है। 1 m³ कितना होता है? 1 m³ होता है 1000 लीटर में, हमारे पास 3.6 ml, 1000 लीटर में 3.6 ml, बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम चेंज हुआ है, लेकिन हुआ है, उसकी वजह से डेंसिटी में बहुत ही छोटा सा चेंज आएगा। अब इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। मान लो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम था V1, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम है V2, और यहाँ पर हमारी डेंसिटी थी ρ1, यहाँ पर हमारी डेंसिटी है ρ2। तो हमारे पास ρ1 की वैल्यू हो जाती है, ρ1 इज इक्वल टू 1.03 × 10⁴, ये हमें क्वेश्चन में दी गई है, ρ1 इज इक्वल टू m/V1। ρ2 जो हमें पता करना है वो हो जाता है m/V2। यहाँ से हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू m/ρ1, यहाँ से हम लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू m/ρ2। और अब देखो हमें डेल्टा V पता है, यानी कि हमें पता है V1 माइनस V2। देखो V1 बड़ा है,
V2 छोटा है तो मैं पॉजिटिव साइन वगैरह के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना, इसलिए मैं V1 माइनस V2 लिख रहा हूँ, विच इज इक्वल टू, हमें आंसर पता है 3.63 इंटू 10^-3। यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे m/(1) माइनस m/(2) विच इज इक्वल टू, m को कॉमन ले लोगे तो हमारे पास अंदर बचता है LCM भी ले लेते हैं, (2-1)/(1, 2) इज इक्वल टू 3.63 इंटू 10^-3। यहाँ पर हमारे पास है m/(1) हो जाता है V1, और हम V1 की इनिशियल वैल्यू लेकर चले थे 1 m³, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाती है, इसे हम हटा सकते हैं यहाँ से, और हमारे पास आंसर आ जाता है (2-1)/(2) इज इक्वल टू 3.63 इंटू 10^-3। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो (2)(1)-3.63×10^-3 इज इक्वल टू (1), यानी (2)(1)(1)-0.00363। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट (1) के बराबर हमारी वैल्यू आती है, लेकिन एक्चुअली (1) से थोड़ी बड़ी हो जाती है, और हमारा आंसर आ जाता है 1.034×10^3 kg/m³। (1) की वैल्यू कितनी थी? 1.03। यहाँ पर भी अगर इसे राउंड ऑफ करोगे तो वैल्यू फिर से आ जाएगी 1.03। तो डेंसिटी में चेंज हुआ है, बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ है। Compute the fractional change in volume of a glass slab when subjected to the hydraulic pressure of 10 atm. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, (B = P(x)) / ये हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो हमें फ्रैक्शनल चेंज ही पता करना है, हमें एक्चुअली (∆V/V) पता करना है, जिसकी वैल्यू हो जाती है (P(x)/bulk modulus). (P(x)) हमें दिया गया है 10 atm, यानी कि 1.01×10^5, से मल्टीप्लाई करेंगे (bulk modulus of glass). इसको NCERT में टेबल है, वहां से आप देखोगे वैल्यू तो पता चलेगा 37×10^9 N/m², और हमारा आंसर आ जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, या फिर मैं उसे एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक लिख देता हूँ, उसकी वैल्यू आ जाती है 2.73×10^-3, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, फ्रैक्शनल चेंज है, आंसर आ गया। डिटरमिन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए सॉलिड कॉपर क्यूब, जिसकी एक एज हमें दी गई है, व्हेन सब्जेक्टेड टू ए हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 7.0×10^6 pascal। इस पर हमने कुछ प्रेशर लगाया तो उसका वॉल्यूमेट्रिक कुछ चेंज हुआ है, हमें बस वो पता करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है। यहाँ से हमें मिलेगा (∆V/V), हम सारी वैल्यूज पॉजिटिव ले रहे हैं, पी एक्सिस की वैल्यू है 7×10^6/(bulk modulus). कॉपर का बल्क मॉड्यूलस कितना होता है? उसकी वैल्यू है 140×10^9, और यहाँ से हमें मिल जाता है, अच्छा ये देखो ये कट जाएगा, 20 आ जाएगा इधर, तो (∆V)(V/20×10^3). क्यूब का वॉल्यूम है 0.1 cm³, यानी कि 10^-3 m³। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, इससे हमारा आंसर जाएगा (∆V)(1/20×10^-6 - 3) यहाँ से और -3 यहाँ से, तो इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाता है 5×10^-8 m³, या फिर इसको आप लिख भी सकते हो 0.05 cm³। आगे आंसर, हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन ए लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाई 0.1%। तो हमें पानी पे कुछ प्रेशर लगाना है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, कितना चेंज होगा? 0.1%, यानी कि (∆V/V)×100 परसेंटेज में, तो आंसर तभी आता है (0.1), यानी (∆V/V)(0.001। अब हमें इक्वेशन पता है (B)(P(x)/(∆V/V), तो यहाँ से हमें पी एक्सेस की वैल्यू पता चल जाती है (B)(∆V/V). (∆V/V) की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी तो आंसर आ जाता है (B)(0.001). बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर की वैल्यू होती है 2.2×10^9×0.001, और आंसर आ जाता है 2.2×10^6 pascal, आंसर आ गया हमारा। अब चाहो तो आप इसको ATM में भी कन्वर्ट कर सकते हो,
अगर करना चाहो तो। एनविल्स मेड ऑफ सिंगल क्रिस्टल्स ऑफ डायमंड विद द शेप एज शोन इन फिगर इतना आर यूज टू इन्वेस्टिगेट बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स अंडर वेरी हाई प्रेशर। तो इस तरह का कुछ कोन होते हैं डायमंड के और उनको दबाते हैं, तो यहाँ पर हम काफ़ी सारा फोर्स लगा सकते हैं और फिर वो पूरा का पूरा फोर्स एक बहुत ही कम एरिया में नीचे की तरफ लग रहा होता है। तो यहाँ पर से भी हम बहुत सारा फोर्स लगाएंगे और बहुत ही कम एरिया में वो फोर्स लगेगा, तो वहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। और मैं ये सोचता था कि अगर ऐसा प्रेशर बढ़ जाएगा तो चीज़ साइड से निकल जाएगी, तो फिर यहाँ पर मेटल की गैस्केट लगाई हुई है ताकि चीज़ें साइड से ना निकले, या कुछ कॉन्फिग्रेशन होता होगा। ये डायमंड का बनाने की क्या ज़रूरत है? डायमंड हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा हार्ड ऑब्जेक्ट है, तो जब हम हार्डनेस मेजर करने जाते हैं वहाँ पर डायमंड को एक 10 की वैल्यू दी जाती है, वो सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ है। तो इसमें हम जो भी फोर्स लगाते हैं ना उसको वो सस्टेन कर पाती है और यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप हो पाता है। तो पूरा का पूरा मेटल का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हम यहाँ पर मेटल गैस्केट तो वैसे भी लगा ही रहे ना, अगर सिर्फ डायमंड उस प्रेशर को झेल पाता है तो ये मेटल तो यहाँ से फट के टूट जाएगी, तो मेटल का क्या फ़ायदा हुआ? और अगर मेटल वहाँ बचा सकती है तो हमने पूरा का पूरा मेटल का क्यों नहीं बनाया? तो ये सोचने वाला सवाल है जो मैं भी अभी सोच रहा हूँ। इसका आंसर क्या है मुझे नहीं पता, देखते हैं कमेंट में, देखते हैं गूगल सर्च करते हैं। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फ्लैट फेसेस एट द नैरो एंड ऑफ द एनविल हैव अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर एंड द वाइड एंड्स आर सब्जेक्टेड टू ए कंप्रेशनल फोर्स ऑफ 50,000 न्यूटन। तो यहाँ भी 50,000 न्यूटन लगेगा और सिमिलरली हमारा यहाँ भी 50,000 न्यूटन लगेगा। टोटल 100,000 मत कर लेना, हमें स्ट्रेस तो एक ही साइड में से कैलकुलेट करना होगा। व्हाट इज़ द प्रेशर एट द टिप ऑफ द एनविल? यहाँ पर अगर हमने 50,000 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहाँ पर वो जो छोटी सी टिप है उससे 50,000 न्यूटन का ही फोर्स ट्रांसफर हो रहा होगा। हमें सिर्फ प्रेशर पता करना है, प्रेशर बेसिकली हम फोर्स पर यूनिट एरिया पता करना चाहते हैं। प्रेशर की वैल्यू है फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज़ इक्वल टू 50,000 न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया की वैल्यू कितनी हो जाती है? एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 0.25 इंटू 10^-3 का स्क्वायर। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 2.55 इंटू 10^11 पास्कल, या फिर 255 इंटू 10^9 पास्कल, या फिर लिख सकते हो 255 गीगा पास्कल। किसी भी तरीके से आंसर आप रिपोर्ट कर सकते हो। ये देखो, ये उसी ऑर्डर की वैल्यू है हमारे स्टेनलेस स्टील की, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो शायद होती है 400 GPa। तो आई थिंक ये मेटल गैस्केट यहाँ पे लगाई है वो हर एक एक्सपेरिमेंट में डिस्ट्रॉय हो जाती होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर है तो वो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ को तो क्रॉस कर जाती है, 250 होती है शायद स्टेनलेस स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ, तो उसको तो वो क्रॉस कर गई। और यहाँ पर क्योंकि एंगल है तो कुछ कॉम्पोनेंट वॉम्पोनेंट के कारण ज़्यादा भी हो सकती है। एनीवे, तो मेटल गैस्केट आई थिंक हर एक्सपेरिमेंट के बाद रिपीट करते होंगे, मैं पक्का नहीं बता सकता, गूगल सर्च करके डिस्क्रिप्शन में आंसर लिखूंगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा इसकी कैलकुलेशंस भी लंबी चलेगी, पर इसे सॉल्व करते हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ 1.05 मीटर हैविंग नेग्लिजिबल मास इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय टू वायर्स ऑफ स्टील एंड अ वायर ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ इक्वल लेंथ एज शोन इन फिगर 9.15। तो हमारे पास एक स्टील का वायर है, एक एल्यूमिनियम का वायर है। द क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ वायर ए एंड बी आर गिवन। एट वॉट पॉइंट अलॉन्ग द रॉड शुड द मास M be suspended in order to produce equal stress and equal strain in both steel and aluminium wires? इन्हें भर दिया क्वेश्चन में, equal stress भी डाल दो, equal strain भी डाल दो, और भी कोई चीज़ होती है तो वो भी डाल दो। वो तो यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं हो रहा, नहीं तो ये बोलते हैं कि इसको कहाँ रखें कि equal यंग्स मॉडुलस आ जाए। फालतू की बात, इसे कट करो, कट करो, कट करो। अगर हम इस मास को सीधा का सीधा यहीं पर लटका देते तो सिर्फ इस वाले वायर में टेंशन आता। कैसे पता चलता है? हम इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लेते। देखो ये वाले का जीरो टॉर्क हो जाता क्योंकि इसी पॉइंट से जा रहा है, इस फोर्स का भी टॉर्क जीरो हो जाता, तो यहाँ पर जो टेंशन है उसकी वैल्यू जीरो होनी पड़ेगी, नहीं तो उसकी वजह से कुछ इस तरफ टॉर्क आ जाता। और क्योंकि इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, ये उस तरफ रोटेट नहीं कर रही, यानी टॉर्क की वैल्यू तो जीरो ही होनी पड़ेगी। जैसे जैसे इस मास को मैं इस तरफ शिफ्ट करता जाऊँगा तो फिर इसमें टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, इसमें टेंशन धीरे धीरे थोड़ी कम हो जाएगी। अगर मास को मैं एग्जैक्टली यहाँ लटका दूंगा तो उस केस में इस वाले वायर में जो टेंशन होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी mg, और इसमें टेंशन की वैल्यू हो जाएगी t इज इक्वल टू जीरो। तो मास को इधर उधर शिफ्ट करने से हमारे टेंशन की वैल्यूज चेंज हो रही है। अब हमें इस तरीके से इनमें टेंशन एडजस्ट करना है कि इक्वल स्ट्रेस आए या फिर इक्वल स्ट्रेन आए, तो इसकी कैलकुलेशंस करना शुरू करते हैं।
यहाँ पर हमारे पास है टेंशन इन ए, यहाँ पर हमारे पास है टेंशन इन बी। ए है हमारा स्टील का वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और बी है हमारा एल्यूमिनियम का वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2 मिलीमीटर का स्क्वायर। स्टील का यंग्स मॉडुलस हो जाता है 200 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस हो जाता है 70 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। पहले हम सॉल्व करेंगे फॉर इक्वल स्ट्रेस। स्ट्रेस दोनों में इक्वल है। अच्छा, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। इस केस में हमारे लिए हो जाएगा वो टेंशन पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस दोनों में सेम है, तो दोनों के लिए हम लिख सकते हैं टेंशन इन वायर ए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वायर ए इज इक्वल टू टेंशन इन वायर बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वायर बी। इनकी वैल्यू लिखते हैं तो टी ए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए है 1 mm² इज इक्वल टू टी बी अपॉन 2 mm². तो ये mm² से mm² कट जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाती है टी बी इज इक्वल टू 2 times TA। हमारे पास ये कंडीशन आ गई फॉर इक्वल स्ट्रेस। अब ये बन गया है रोटेशनल डायनेमिक्स का क्वेश्चन। हमें एक्स की वैल्यू ऐसे सेट करनी है कि टी बी और टी ए के बीच में हमारे पास ये वाला रिलेशन आ जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मान लो मैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर मास को रखता हूँ, तो मास के कारण नीचे की तरफ टॉर्क लगेगा, टी बी के कारण ऊपर की तरफ टॉर्क लगेगा। तो मैं टॉर्क वाली इक्वेशन लिख सकता हूँ। टी बी कितनी दूरी पर है? टी बी यहाँ से दूरी है 1.05 इज इक्वल टू नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा एम जी टाइम्स उसका हमारे पास डिस्टेंस है एक्स, एम जी टाइम्स एक्स। दूसरी इक्वेशन मिलेगी ऊपर नीचे के डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस कर दो। ऊपर की तरफ है टी बी प्लस टी ए, नीचे है एम जी, तो हम लिख सकते हैं टी बी प्लस टी ए इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से हम वैल्यू लगा देंगे तो हमें मिलता है टी बी प्लस टी बी बाय 2 इज इक्वल टू एम जी। इस एम जी की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाती है 1.05 टी बी इज इक्वल टू एक्स इंटू 3/2 टी बी। ये टी बी से ये टी बी कैंसिल हो जाता है और एक्स की वैल्यू आ जाती है 2/3 इंटू 1.05 यानी कि 0.7 मीटर। अगर यहाँ से 2/3 डिस्टेंस पे यानी कि 70 सेंटीमीटर पे हमने मास को लटकाया है, उस केस में हमारे पास दोनों वायर में सेम स्ट्रेस आने वाला है। अब हमारा केस टू हम सॉल्व करते हैं जब दोनों में सेम स्ट्रेन है। फॉर इक्वल स्ट्रेन हमारे पास फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इस केस में हम लिख सकते हैं स्ट्रेन सेम चाहिए यानी कि सिग्मा अपॉन वाई की वैल्यू दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? स्ट्रेस है टेंशन पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस यानी कि टी अपॉन वाई ए की वैल्यू दोनों वायर के लिए सेम होनी चाहिए। ओके, वायर नंबर 1 के लिए हो जाएगा या फिर वायर ए के लिए मैं लिख सकता हूँ टी ए अपॉन वाई ए, ए ए इज इक्वल टू टी बी अपॉन वाई बी ए बी। यहाँ से हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी टी ए और टी बी के बीच में। देखो ये दोनों वैल्यूज और ये दोनों वैल्यूज तो हमें पता है, इनकी वैल्यूज रख देते हैं। टी ए बाई टी बी की वैल्यू आ जाती है मेरे पास वाई ए ए ए डिवाइडेड बाई वाई बी ए बी। वाई ए यानी यहाँ पर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है 200 इंटू 1 mm² डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 70, यहाँ से वैल्यू आई इंटू 2 mm², ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 10 आ जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाता है टी बी बाई टी टी ए बाई टी बी इज इक्वल टू 10/7। ये हमारे पास वो कंडीशन आ गई जिससे हमें इक्वल स्ट्रेन मिलने वाला है। अब फिर से ये रोटेशन की सिंपल सी क्वेश्चन बन गया है, हमें किस एक्स पर वो मास लटकाना है कि हमारे टी ए और टी बी के बीच में ये वाला रिलेशन आ जाए। तो हम सिंपल सा टॉर्क बैलेंस करेंगे। हमारे पास नीचे की तरफ लग रहा है एम जी एट एक्स डिस्टेंस, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। मान लो मैं इस पॉइंट के अबाउट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ से एक्स की कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो इक्वेशन लिखना आसान हो जाएगा। एम जी इंटू एक्स इज इक्वल टू टी बी इंटू वो कितने डिस्टेंस पे है 1.05 मीटर पर। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन ऊपर नीचे के डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस कर दो तो यहाँ से आ जाएगी टी ए प्लस टी बी इज इक्वल टू एम जी। और तीसरी इक्वेशन मेरे पास ये है तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ टी ए इज इक्वल टू 10/7 टी बी,
तो यहाँ पर मिल जाएगा 17/7 TB इज इक्वल टू MG। ये MG की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो उससे मेरे को इक्वेशन मिल जाती है 17/7 TB टाइम्स X इज इक्वल टू TB इंटू 1.05। तो TB से TB कैंसिल हो जाता है, X की वैल्यू आ जाती है 7/17 1.05। इसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 0.432 मीटर, और ये आ गया हमारा आंसर। तो एक केस में हमारे x की वैल्यू आती है 0.7 मीटर, दूसरे केस में हमारी वैल्यू आती है 0.432 मीटर, और इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस पूरे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में एक यही क्वेश्चन है जो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, और दिमाग भी क्या लगाना है, एक अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है, कहीं पर इसमें बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन आ जाता है, अब इसलिए थोड़ा रटना पड़ जाता है ये, पर ठीक है, इसको बड़े आराम से समझेंगे, बहुत ही आसान है। देखो, हमारे पास एक सीधा तार था और उस तार में हमने एक वजन लटकाया इस तरफ, और वजन बहुत कम है, तो वजन बहुत कम है तो ये तार में थोड़ा इस तरीके से टेंशन आएगा, तार थोड़ा अपनी जो लेंथ है उससे लंबा होता है, देखो इतनी लेंथ थी, अभी तार थोड़ा लंबा तो हो चुका है यहाँ पर, तो हमें उसकी वजह से कुछ स्ट्रेन आया होगा, कुछ उसकी वजह से स्ट्रेस मिलेगा, स्ट्रेस की वजह से हमारे पास देखो टेंशन है, उसका कुछ कंपोनेंट इस तरफ होगा, इधर भी टेंशन है उसका भी कुछ कंपोनेंट इस तरफ होगा, ये दोनों कंपोनेंट मिला करके MG के बराबर हो जाएंगे। हमें यही सारी कैलकुलेशंस करनी है, तो इस कैलकुलेशंस को स्टार्ट करते हैं। अ माइल्ड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5×10⁻²² स्क्वायर सेंटीमीटर इज स्ट्रेच्ड वेल विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट हॉरिजॉन्टली बिटवीन टू पिलर्स। तो यहाँ पर मेरे को एक गलती दिख रही है, हमें बोला गया है कि एक तार बीच में पहले से ही स्ट्रेच था, आइडियली यहाँ पर टेंशन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर लिखा है स्ट्रेच्ड वेल विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट तो क्या होती है, हमारी जो यील्ड स्ट्रेंथ है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो सकती है अभी, और टेंशन ज़्यादा होगी तो तार ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, फिर तार शायद कम ही नीचे आए, तो मेरे को थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, पर हम भावनाओं को समझते हैं, टेंशन की वैल्यू इनिशियली जीरो हमें माननी है। अ मास ऑफ 100 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वायर, कैलकुलेट द डिप्रेशन एट द मिड पॉइंट। हमें डिप्रेशन एट द मिड पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट पर जितना नीचे है, एक्स की वैल्यू हमें पता करनी है, और देखो वजन सिर्फ 100 ग्राम लटकाया गया है, यानी 100 किलोग्राम लटका दिया, क्योंकि तार टूट जाएगा या थीटा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, फिर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए देखो क्वेश्चन यार, ये पूरी लेंथ थी 1 मीटर, तो हमारी हाफ लेंथ उसकी वैल्यू हो जाती है 0.5 मीटर, तो ये मैंने बना दिया 0.5 मीटर। हमारा डिप्रेशन एक्स हमें पता करना है, और यहाँ पर हमारा बन जाता है एक थीटा, हमें अज्यूम करके चलना है कि थीटा की वैल्यू बहुत कम है, 100 ग्राम सिर्फ दिया गया है, तो हम थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, वो वाला अप्रॉक्सीमेशन तो यूज़ करने ही वाले हैं, साथ में एक जगह बायनोमियल और लगेगा, तो इनिशियली हम इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2t साइन थीटा इज इक्वल टू MG। 2 क्यों, क्योंकि एक इस टी का और एक इस टी का, दोनों का साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू MG। अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये बन जाता है हमारा परपेंडिकुलर, ये बन जाता है हमारा बेस, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू x/L, और क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा के भी बराबर, और इसी की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ थीटा के भी बराबर। ओके, अब देखते हैं, अगर हम इस वायर की सिर्फ हाफ लेंथ को कंसिडर करें, तो देखो पहले हमारे पास लेंथ थी 0.5 मीटर, अब थोड़ा तो ज़्यादा खींचे क्योंकि 0.5 मीटर तो यहीं तक आ जाता है, तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा थोड़ा वायर खींच गया है, हमें इलोंगेशन पता करना है, इस टेंशन के कारण कुछ इलोंगेशन हुआ है, तो इस पूरी लेंथ की वैल्यू कितनी है, ये वाली जो लेंथ है उसकी वैल्यू हो जाती है इतनी √x²+L², तो हमारा इलोंगेशन इस छोटे से पार्ट में यानी हाफ वायर में इलोंगेशन की वैल्यू हो जाती है, इलोंगेशन इन हाफ वायर इज इक्वल टू √x²+L²-L। अब देखो यहां पर मैं L को कॉमन ले लूंगा तो L इधर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा x/L² + 1-L। हमें पता करना है इस वायर में स्ट्रेन कितना है, तो अभी हमने देखो हाफ वायर में पता किया कि इलोंगेशन कितना आता है इतना, तो फुल वायर में इलोंगेशन इसका डबल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारी लेंथ कितनी है, हमने इस हाफ लेंथ को L माना था तो फुल लेंथ भी हो जाती है 2 times L,
तो आप उसे डिवाइड करोगे तो हमारा स्ट्रेन की वैल्यू आ जाती है, उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। या फिर आप हाफ वायर के लिए भी स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्टली सेम आने वाली है। हमें पता करना है स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। हाफ वायर के लिए करोगे तो डायरेक्टली इसे एल से डिवाइड कर देना है, अगर फुल वायर के लिए करोगे तो पहले से 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2L से उसे डिवाइड करना है, सेम आंसर आने वाला है। इसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एल का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ एल से एल से एल कैंसिल आउट हो गया। ये है हमारे एप्सिलॉन की वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करने में देखो, हमारा एक्स बाय एल काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा है, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के बराबर है, उसमें से 1 माइनस भी कर दिया तो एप्सिलॉन की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के बराबर आ रही है। तो पर इसको ऐसे नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, हमें अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना है, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्यों? क्योंकि इसको हम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन के जरिए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर एक्स बाई एल बहुत छोटा होता है। तो ये देखो कुछ वैसी फॉर्म बन रही है, 1 प्लस एक्स बाई एल की वैल्यू एक्चुअली थीटा है, यहाँ से देखो तो 1 प्लस थीटा स्क्वायर है यहाँ पे और इसकी पावर 1/2 है। जब भी 1 प्लस समथिंग का रूट होता है तो उसको हम बायनोमियल से लिख सकते हैं, 1 प्लस हाफ और ये जो भी चीज़ है इस केस में उसकी वैल्यू जाती है थीटा स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसे रख दूंगा वैल्यू तो हमारे एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाती है 1 प्लस हाफ थीटा स्क्वायर माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल और हमारे एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाती है थीटा स्क्वायर बाय 2, या फिर थीटा स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सकते हैं एक्स बाय एल, तो एक्स स्क्वायर बाय 2L स्क्वायर। ये भी हमारा एप्सिलॉन का आंसर आ गया। इतनी सी ट्रिक थी, अब बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास है फॉर्मूला y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ पर अभी स्ट्रेन की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया। इस केस में फोर्स की वैल्यू है टेंशन के बराबर, तो हम लिख देंगे टी पर यूनिट एरिया अपॉन यंग्स मॉडुलस, या फिर मैं लिख सकता हूँ टी अपॉन वाई। टेंशन की वैल्यू कितनी है? टेंशन की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। देखो टेंशन हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू एम जी अपॉन 2 साइन थीटा। साइन थीटा को मैं फिर लिख दूंगा एक्स बाई वाई, तो ये जाएगा 2x बाय एल और एल चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से हमारे पास टेंशन की वैल्यू रख देते हैं एम जी एल अपॉन 2x डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ए, और हमारे पास इस तरफ आ जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर। एप्सिलॉन की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलता है एक्स क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब एम जी अपॉन वाई ए, यानी एक्स इज इक्वल टू एम जी अपॉन वाई ए की पावर 1/3 टाइम्स एल। और ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया कि कभी भी हम एम जी, अच्छा एम मास को लटका देंगे तो नीचे एम जी फोर्स लगेगा, हमारे पास लेंथ एल ऑफ वायर है और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ये एल हमारी हाफ लेंथ है तो हमें अब क्वेश्चन में जब वैल्यूज रखनी है तो एल की वैल्यू हम रखेंगे 0.5 और वैल्यूज रख के हम हमारा आंसर निकाल सकते हैं। सारी वैल्यूज रखते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1.07 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर, या फिर 1.07 सेंटीमीटर। टू स्ट्रिप्स ऑफ मेटल आर रिवेटेड टुगेदर एट देयर एंड्स बाय 4 रिवेट्स ईच ऑफ डायमीटर 6 mm। अच्छा ये रिवेट क्या होता है? देखो आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, बस में ट्रेन में इस तरीके से बहुत सारे आपको डॉट 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 दिखते होंगे, वो एक्चुअली डॉट नहीं होते, 2 इस तरीके शीट को हमें चिपकाना है तो वहाँ पे गोंद लगा के तो चिपका नहीं सकते, उनके बीच में एक इस तरीके से छेद करते हैं और ऐसा एक बोल्ट डाल देते हैं और उस तरीके से वहाँ पे रिवेटिंग हो जाती है, 2 शीट को इस तरीके से ज्वाइन किया जाता है। तो इसका अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये है हमारी शीट नंबर 1, ये है शीट नंबर 2, बीच में हमने रिवेट लगा दी, दोनों तरफ से सील कर दिया तो वो जा नहीं सकता, एक्चुअली नट बोल्ट टाइप का ट्राइट कर दिया लेकिन अब उसे खोल नहीं सकते, वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है, उसे काटना ही पड़ता है। यहाँ पर हम इस तरीके से फोर्स लगा सकते हैं, यहाँ पर हम इस तरीके से फोर्स लगा सकते हैं, उसके कारण यहाँ पर कुछ शियरिंग होगी। कैसे होगी शियरिंग? मान लो ये हमारी रिवेट है, एक इसे इस तरफ खींचना चाहता है, ये इसे इस तरफ खींचना चाहता है, तो दोनों शीट जब इसे ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर कैसा फोर्स लग रहा है? ये यहाँ पर शियरिंग हो रही है इसकी, तो हमारे पास शियर स्ट्रेस आएगा। और एरिया क्या है? ये रिवेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये जो स्ट्रेस इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो इस तरीके से हमारे पास शियर स्ट्रेस आने वाला है।
What is the maximum tension that can be exerted by the riveted strip if the shearing stress on the rivet is not to exceed 6.9 into 10 raised to power 7 Pascal? Assume that each rivet is to carry 1/4 of the load. हमारे पास इस तरीके से दो स्ट्रिप्स हैं, उनको चार रिवेट लगा दिया हमने, 1, 2, 3, 4 छेद करके दाग दिया और इधर उधर खींच रहे हैं। तो अब हमें बताना है कि उनमें कितना मैक्सिमम टेंशन हम लगा सकते हैं। अच्छा, एक रिवेट का हमारे पास डायमीटर दिया है, तो रिवेट का हम एरिया पता कर सकते हैं। डायमीटर है हमारा 6 mm, एरिया की वैल्यू आ जाती है एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4, और उससे हमारा आंसर आता है 9π × 10⁻⁶ m². रिवेट में जब फोर्स लगेगा तो उसकी एक मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू होगी, कि मैक्सिमम फोर्स के कारण कुछ मैक्सिमम शियर हो जाएगा। तो मैक्सिमम शियर तो हमें दिया हुआ है, हमें पता करना है वो मैक्सिमम फोर्स कितना होने वाला है। शियरिंग स्ट्रेस जी की वैल्यू होनी चाहिए 6.9 × 10⁻⁷ pascal मैक्सिमम फोर्स के लिए, इज इक्वल टू फोर्स या टेंशन जो भी है उसमें T1 बोल देता हूँ। T1 क्यों? क्योंकि एक रिवेट के हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। T1 डिवाइडेड बाई A1, A1 है 9π × 10⁻⁶, यहाँ से हमें वैल्यू पता चलती है कि T1 इज इक्वल टू 69 × 9π N, जिसकी वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 1950 N। अच्छा, ये तो एक रिवेट के कारण इतनी टेंशन आप ले सकते हो, हमारे पास ऐसी चार रिवेट्स हैं तो हमारा ये जो फोर्स मैक्सिमम लगा सकते हैं वो बढ़ जाएगा। तो हमारी वैल्यू आ जाती है मैक्सिमम फोर्स जो हम लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 × T1 या फिर 4 × 1950, और इसकी वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 7.8 × 10⁻³ N। ये हमारा आंसर है, NCERT में शायद इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है। अच्छा देखो, हमने ज़्यादा रिवेट्स लगा दिए तो ये लोड कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू बढ़ गई है। तो अगर मैं यहाँ पे 2-4 रिवेट्स और लगाता जाता तो हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी और बढ़ जाती? ऐसा नहीं है, हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी कम भी हो सकती है। क्यों? जब भी हम रिवेट्स लगाते जाते हैं तो रिवेट के कारण तो कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना वो कम हो जाता है। कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया? पहले हमारा जो बार है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ इतना था, इस तरफ अगर फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स इस एरिया में डिवाइड होकर के हमारी इनमें टेंसाइल स्ट्रेस आ रखी थी, अब वो एरिया सिर्फ इतना बचा है, ये बाकी की जगह तो हमारी रिवेट ने खा ली, तो हमारे पास ये वाला एरिया कम हो गया, तो रिवेट नहीं टूटेगी। हो सकता है ये वाली बेंड हमारी जो रॉड है वो टूट जाए, हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे रिवेट के कारण नहीं टूटेगा, ये यहाँ से क्रैक आ जाएगा इस तरीके से, इसलिए हम ज़्यादा रिवेट्स भी नहीं लगा सकते। इसका एक और सोल्यूशन है, फिर यहाँ पे एरिया बढ़ा दो, इस तरीके से इसे चौड़ा कर दो। जैसे मान लो हमने यहाँ पर इसको चौड़ा कर दिया है और यहाँ पर बीच में रिवेट लगा दिए, वो भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली रियल लाइफ में ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल है। रियल लाइफ में क्या होता है, हम दुकान पर जाते हैं, बहुत सारी लंबी लंबी इस तरह की स्ट्रिप्स लेके आ जाते हैं और घर पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनमें वेल्डिंग करते रहते हैं या जो भी रिवेटिंग करनी है वो करते हैं। अब पहले से मेजर करके जाना कि मुझे इतनी डिस्टेंस के बाद रिवेटिंग के लिए चौड़ा करना है स्ट्रिप को, बड़ा मुश्किल है, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है नहीं, तो हमें इसी तरीके से कुछ करना पड़ता है। रियल लाइफ में तो अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। लास्ट क्वेश्चन, द मरीना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन एंड एट वन प्लेस इट इज नियरली 11 km बीनिथ द सर्फेस ऑफ वाटर। तो मरीना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में एक जगह पे उसकी डेप्थ 11 किलोमीटर्स हो जाती है। द वाटर प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंच इज अबाउट 1.1 × 10⁸ pascal, बहुत ज़्यादा प्रेशर है नीचे में। अ स्टील बॉल ऑफ इनिशियल वॉल्यूम 0.32 m³ इज ड्रॉप्ड इनटू द ओशन एंड फॉल्स टू द बॉटम ऑफ द ट्रेंच। अब यहाँ पर एक बॉल थी, उसको नीचे गिरा दिया है, तो नीचे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो उसकी वॉल्यूम कुछ कम होती जाएगी। वॉट इज द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल वेन इट रीचेस टू द बॉटम, हमें बॉल की वॉल्यूम में चेंज पता करना है। अच्छा, यहाँ पर देखो, इनिशियल प्रेशर 10⁵ pascal है, यहाँ पर 10⁸ है, इसके कंपैरिजन में दिस इज एज गुड एज जीरो, मान सकते हो कि जीरो था। हमारे पास फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू पी एक्सेस डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन वी, और ये नेगेटिव का क्योंकि वॉल्यूम में चेंज कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है। एनीवे, स्टील का बल्क मॉडुलस होता है 160 × 10⁹, और उसकी वैल्यू हो जाएगी P
पी एक्सेस है 1.1 × 10⁸ डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ से ये कट जाएगा और हमारा आंसर आता है डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू 1.1 / 160। डेल्टा वी इज इक्वल टू 1.1/160 टाइम्स वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, हमें दिया गया डायरेक्टली 0.32 m³। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इससे हमारा आंसर आ जाता है 2.2 × 10⁻⁴ m³। और इस बार फिर से शायद NCERT में आंसर गलत है। तो इस तरीके बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, तो कुछ करने के लिए इसमें था नहीं, लेकिन NCERT में शायद आंसर गलत है। और इसी के साथ हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन में ज़्यादा तरह के क्वेश्चन होते नहीं है, इतने ही तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इन्हीं को कर लो, खाली सुनने में बड़े बड़े नाम रखते हैं, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है। तो थ्योरी वाला वीडियो अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे अच्छे से देखना। थ्योरी पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, तभी इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता। इन बड़े बड़े नाम आते हैं ना, डरा के भाग जाते हैं। एनीवे, वीडियो को प्लीज़ लाइक करो और शेयर कर दो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। और मैं हूँ विक्रांत किरार, मैंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये क्रैशअप का इंस्टाग्राम आईडी और क्रैशअप का टिकटॉक आईडी भी है, प्लीज़ फॉलो करो। मिलेंगे, मज़े करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुनिया में कोरोना चल रहा है और यहाँ पर दिवाली हो रही है, देखो किधर है पटाखे। कोरोना गो गो कोरोना गो कोरोना कोरोना गो गो कोरोना कोरोना गो। आ जाओ सब लोग, आ जाओ सब लोग, आ जाओ। गो कोरोना गो कोरोना कोरोना गो।